हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग गोइंग टू मेला, वी विल रीड दिस लेसन लाइन बाय लाइन एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स इन बिटवीन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 22। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन द वे टू द मेला। अभी हम लोग ऑन द वे टू द मेला, कैसे वे लोग मेला के लिए निकले थे ये पढ़ेंगे। तो ये है दोनों बच्चे और ये है उनकी माँ, उन्होंने बैग पैकिंग कर लिया है। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नेहा'स नीता'स नेबर्स, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। स्नेहा और रोहित नीता की सिर्फ नेबर ही नहीं बल्कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी हैं और वे भी मेला में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नेहा, गेट रेडी क्विकली, नीता'स फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड देयर मदर। स्नेहा को उसकी माँ ने बोला कि नीता की फैमिली अभी आती होगी तो जल्दी से रेडी हो जाओ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विथ मी, स्नेहा एडिड। तब स्नेहा कहती है कि नहीं, मैं तो रेडी हूँ, बस मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि मैंने सब कुछ ले तो लिया है, जो भी मुझे ज़रूरी चीज़ें थी वो सब कुछ पैक हुआ या नहीं। इट्स टाइम टू लीव, नीता'स फैमिली इज़ हियर, अनाउंस हर फादर। तभी उनके पापा आए और अनाउंस करते हैं कि नीता की फैमिली पहुँच चुके, चलो अभी हम लोग निकलते हैं। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, नीता हेल्ड दादी जी'स हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप। नीता दादी जी को पकड़ते हुए बस स्टॉप की ओर निकल रही है। दे वॉक्ड केयरफुली ऑन द रोड, कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। बहुत ही केयरफुली वे चल रहे हैं, गाड़ी कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है देखते हुए। हम जब रास्ते में चलते हैं तो और हमें अगर क्रॉस करनी होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले बाई तरफ, फिर दाई तरफ, फिर बाई तरफ, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है देख के फिर हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह नीता भी देखते हुए चल रही है। बस नंबर 401 स्लोली केम टू ए हॉल्ट, वो आके रुकती है। द कंडक्टर एंड नीता'स फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस। और उस बस में चढ़ने के लिए कंडक्टर और नीता के जो पापा हैं वो हेल्प करते हैं दादी जी को। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल, दादी जी सेट कम्फर्टेबली इन इट। ओल्ड पीपल के लिए सीट रिजर्व था उस बस में, दादी जी बहुत ही आराम से बैठ गए, कंफर्टेबली। दिस इज़ अ न्यू वर्ड, सो प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक और इसकी स्पेलिंग ज़रूर लर्न करें। हार्ड वर्ड्स को लर्न करना ज़रूरी है, जैसे कि रिजर्व्ड, ये भी न्यू वर्ड है और इसको भी आप लर्न कीजिए। कंडक्टर, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो मिल रहे हैं आपको वो राइट डाउन ऑन योर नोटबुक और फिर लर्न कीजिए। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सैट ऑल अराउंड दादी जी, सभी लोग चढ़ गए बस में और सभी बैठ गए दादी जी के आसपास। रोहित फादर इंस्टीड इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन, रोहित के पापा ने सबके लिए टिकट खरीदने के लिए कहा। फाइव फुल एंड फोर हाफ टिकट्स प्लीज, ही सेड टू द कंडक्टर। तब कंडक्टर को कहा गया कि फाइव फुल टिकट और चार हाफ टिकट बच्चों के लिए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन द सीट्स एंड नॉट जम्प अराउंड। और फिर रोहित के पापा ने बच्चों को कहा कि यहाँ वहाँ मत कूदो बल्कि आराम से बैठ जाओ। ही ऑल्सो आस्क्ड देम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हैट आउट ऑफ द विंडो फॉर देयर सेफ्टी। हमें बस में क्या सेफ्टी रूल्स भी कुछ पालने चाहिए, जैसे कि अपना सर या अपना हाथ विंडो से या डोर से नहीं निकालनी चाहिए। तो यही रोहित के फादर ने भी कहा। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच्ड अ बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड। बस पूरे सिटी से होते हुए जहाँ मेला लगी हुई थी उस ग्राउंड तक पहुँची। नाउ सम क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी और टाउन और विलेज। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर कौन सी व्हीकल का यूज करते हैं। We can take bus, car, metro, rail, scooter, bike, bullock cart respectively to the travel within our city or village. कोई भी गाड़ी जो भी available है उसका नाम देके आप लोग लिख सकते हैं। Why should safety measures be followed when traveling by bus, car or while riding a bicycle? हमें safety measures क्यों माननी चाहिए,
जब हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हो या कार से ट्रैवल कर रहे हो या फिर बाइसाइकिल से, बाइसाइकिल में ट्रैवल करते, बाइसाइकिल राइडिंग करते वक्त भी हमें एक हेलमेट पहननी चाहिए जो साइकिल राइड करते वक्त मिलती है, और साइकिल वाले रोड से ही हमें चलनी चाहिए। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी मेजर्स व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और व्हाइल राइडिंग बाइसाइकिल टू बी सेफ एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ताकि हम लोग सेफ रह सकें और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू राइट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैव टू राइट इन दिस स्पेस, गिवन स्पेस। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। ओके, अगर आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ कोई भी ट्रिप में गए हैं तो उसे डिस्क्राइब कीजिए। यू कैन डिस्क्राइब एनी ट्रिप दैट यू हैव रिसेंटली विजिटेड विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। यू कैन एड द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक दिस, नेम ऑफ प्लेस विद इट्स लोकेशन एंड डिटेल्स, आप कहाँ गए थे, उसके लोकेशन को और वो जगह कैसी थी, पर्पज टू विजिट, किस लिए गए थे वहाँ, वेयर यू स्टे, कहाँ रुके थे, फेमस प्लेसेस डेट यू सॉ, और जहाँ गए थे वहाँ पर कौन कौन से फेमस प्लेसेस देखे, फेवरेट क्विजाइंस एंड रेस्टोरेंट्स डेट यू विजिटेड, खाना कौन कौन से रेस्टोरेंट में खाए या फिर कौन से क्विजाइन जो इनकी अपनी होती है, एक एक क्विजाइन सबके कौन से डिश खाए होंगे, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट एक्सेट्रा, और क्या क्या सबसे एंजॉय किया वो भी लिखना है। तो ये रहा मेला का गेट, ये है एंट्री, मेला इंफॉर्मेशन, फर्स्ट एड, लॉस्ट एंड फाउंड, पार्किंग। गुम हो जाते हो ना कभी मेला में तो ये लॉस्ट एंड फाउंड के विंडो में आके अपना नाम बताने से वे लोग अनाउंसमेंट करके पेरेंट्स को बुला देते हैं। आजकल तो मेला हर जगह लगने लगी है, लेकिन देखिए पहले कितने दूर दूर से मेले के लिए, मेला देखने के लिए आते थे लोग। एट द मेला बोथ फैमिलीज रीच्ड द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला वाज बीइंग हेल्ड। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। मोहन चाचा भी पहुंच गए थे एक ऑटो से होते हुए और साथ तीनों फैमिली पहुंच गई। At the entrance, there was a map of the Mela ground showing the various stalls and their locations. Entrance में ही एक map थी जो कि stalls कहाँ, कौन किस चीज़ के stalls कहाँ कहाँ लगे हैं ये बता रही थी और locations बता रही थी। An ambulance, police jeep and fire engine were parked next to it. मेला के पंडाल के साइड में ही एक पुलिस व्हीकल, देन एन एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड थी। क्यों, कोई भी अगर दंगा वगैरह हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस की ज़रूरत होती है। फिर एम्बुलेंस, किसी को भी चोट वगैरह लगने से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, और अगर काफ़ी आग वगैरह कुछ लग जाए इसके लिए फायर ब्रिगेड को भी लाकर रखनी होती है। There was also lost and found booth with volunteers. Lost and found booth में भी कुछ volunteers होते हैं काम करने वाले, जो कि किसी भी के भी गुम होने पर किसी उसके parents को ढूंढ के ला सके। मोहन चाचा and रोहित hurried to get a wheelchair for दादी जी। मोहन चाचा और रोहित जो है वे एक wheelchair खोजते हैं, हो सकता है wheelchair भी मेले के बाहर ही थी। As they entered, they saw stalls with games, toys, sweets, and many interesting things. The children were overjoyed. They visited the toy stall. बहुत कुछ देखा, क्या क्या देखा? With games, हाँ, खेलने वाले कुछ, और निशाने लगाने की या कोई भी spin game की, फिर toys, खिलौने की दुकान, फिर मिठाई की दुकान, बहुत सारे दुकान। ये देखो माँ की थाली, इसमें खाना लगा हुआ है, टॉयज एंड गेम्स, नारियल पानी की दुकान, स्टेशनरी शॉप, लल्लू हलवाई, बैंगल्स, बहुत सारे दुकान हैं। देखो मेले का जो ये आपको पिक्चर दिख रहा है, और आप लोग भी मेले में गए होंगे कभी, तो आपको कौन सी पिक्चर, उसमें से क्या क्या याद है, उसे आप भी अपनी ड्राइंग नोटबुक में या फिर ड्राइंग कॉपी में बना सकते हैं। From where they bought spinning tops, puppets, firkies and dolls. उन्होंने toy shop से बहुत सारे सामान ले लिए थे। The children then took a ride on the merry-go-round and the chained wheel. Sneha and Radha bought bangles and other trinkets.
ये लोगों ने बहुत सारे झूलों में झूले, जैसे कि ये मैरी गो राउंड, फिर जैन व्हील्स, और स्नेहा और राधा ने अपने लिए कुछ चूड़ियां खरीदी। मैजिक शो भी है, टिकट्स सबके लिए टिकट्स लेनी पड़ती है। बुक्स का स्टॉल भी है, क्राफ्ट बाजार भी है, मथ का कुल्फी भी बिक रहा है। लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ, से नीता। तब नीता कहती कि चलो अभी हो गया, अभी हम लोग मैजिक शो देखते हैं। दे ऑल्सो देन एंजॉय द मैजिक शो। फिर उन्होंने जाके मैजिक शो देखा। मोहन चाचा कॉल आउट टू द चिल्ड्रेन, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट। अच्छा, बहुत मस्ती हो गई, अभी कुछ खा लेते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। खाना खाने के लिए तो जाएंगे, लेकिन पहले अपने अपने हाथ धो लो। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। तभी वे जाके जहाँ पे वाटर पॉइंट है वहाँ जाके हैंड वॉश करते हैं। दे ऑल एट गोल गप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विथ रबड़ी, कुल्फी एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। उन्होंने बहुत कुछ खाए और उसके बाद उन्होंने अपने सारे भी जितने भी डस्ट निकला था वो सारे डस्टबिन में पुट कर दिया। एज दे वर लिविंग द मेला, दादी जी एक्सक्लेम्ड, लुक चिल्ड्रेन, हु इज अकम्पेनिंग द पुलिस ऑफिसर। देखो पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, दादी जी इट्स अ पुलिस डॉग। ये देखो एक पुलिस का डॉग भी वहाँ मेले में। डू यू नो कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। कुंभ मेला सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वर्ल्ड का। इट इज लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 years इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। इन चारों नदी के किनारे किनारों में कुंभ मेला लगती है। मीन्स बहुत बड़ा एरिया, एक नदी से दूसरे नदी तक पूरा मेला या फिर कुंभ मेला लगा हुआ होता है। ये 12 साल बाद मनाई जाती है। आप लोग में से कौन कौन कुंभ मेला में गए हैं, या फिर आपके अगर पेरेंट्स भी गए हैं तो, क्योंकि 12 साल में एक बार मनाए जाते, तो आप लोग की अभी तो 12 साल हुई नहीं, तो आप लोग नहीं जा पाए होंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। नाउ देयर आर सम मोर क्वेश्चंस टू राइट द आंसर्स। वट इज द पर्पज ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। मेले में लॉस्ट एंड फाउंड की बूथ किस लिए लगा था। आंसर, इफ एनीथिंग गेट्स मिसप्लेस्ड, लॉस्ट और एनी पर्सन इज फाउंड मिसिंग, देन वी कैन कंप्लेन ओवर द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। अगर कुछ सामान गुम हो जाता है या मिसप्लेस कर देते हैं, या फिर हम में से कोई आदमी गुम हो जाता है या बच्चे गुम हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। एन अनाउंसमेंट कैन बी मेड ऑन अ लाउड स्पीकर टू फाइंड इट, एंड इफ एनी वन फाइंड्स एनी थिंग नो अननोन, देन इट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड एट द बूथ। और अगर किसी को अननोन सामान जो हम नहीं पहचानते हैं, जो किसी की है या नहीं हमें नहीं पता, ऐसे सामान मिलते हैं, तो वो भी जाके उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का रोल क्या था, क्या काम था। पुलिस डॉग हेल्प्स इन सर्चिंग, ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ मिसिंग पर्संस, डिटेक्टिंग सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा। पुलिस क्यों लेके घूमती है, ताकि कोई कोई कुछ भी चीज़ को ढूंढना होता है या ट्रैक करनी होती है किसी मिसिंग पर्सन को, या फिर कोई एक्सप्लोजिव बम वगैरह अगर कोई किसी ने कहीं रख दी है, इसकी खोज के लिए भी डॉग को रखना पड़ता है। हैव यू एवर बीन टू ए मेला। वट आर द थिंग्स यू लाइक मोस्ट इन द मेला। आप कभी गए हैं मेला में, अगर आप गए हैं तो वो सबसे अच्छा क्या लगा है। आप यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, यस आई लाइक द गेम स्टॉल्स एंड फूड स्टॉल्स एंड एन्जॉय द फन राइड्स द मोस्ट। आई ऑल्सो परचेज होम मेड आर्टिकल्स फ्रॉम क्राफ्ट मेला। नाउ डिस्कस, जो क्वेश्चंस डिस्कस में होते हैं वह नहीं लिखने से भी हो जाएगा नोटबुक में। शेयरिंग एक्सपीरियंस,
Imagine yourself in place of Nita, Radha, Sneha and Rohit. Share with the class the interesting things you would do in the Mela. I would like to play fun rides and games and to eat various delicious food items like matka kulfi, fruit chaat, aloo tikki, golgappa, etc. I would also like to watch the puppet show and magic show. Now find out. Talk to the elders in the family and find out how Melas were different when they were young. Why are fire engines and ambulance present in the Mela? आप बात कीजिए घर के बुजुर्गों के साथ आजकल की मेला और तब के जमाने की मेला में क्या डिफरेंस है. यू कैन टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेलास वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग. दे विल शेयर द एक्सपीरियंस एंड एंजॉयमेंट्स दैट दे हैड एट देयर एज. तब आपके ग्रैंड पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस को और खुशी को आपके साथ शेयर कर सकते हैं. Why are fire engines and ambulances present in a Mela? Fire engines and ambulances are present in a Mela to ensure our safety and protection. क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए फायर इंजन और एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है. Fire engines are specially equipped to extinguish fire safely and efficiently. Fire engines जो है आग बुझाने के काम आती है. Ambulance is available to save lives and deliver timely medical assistance in emergencies. और ताकि अगर किसी को हॉस्पिटल ले जानी पड़े तो आराम से एम्बुलेंस में जा सके, इसके लिए एम्बुलेंस को भी रखनी पड़ती है. Now this is an activity, reading a sketch. एक स्केच बना हुआ है. एक लाइब्रेरी, स्नेहा एंड रोहित हाउस, नीता एंड राधास हाउस, बैंक, परेड ग्राउंड, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन. नाउ स्टडी द स्केच एंड आंसर. फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहास हाउस ऑन द मैप. ये तो आपको आराम से मिल जाएगा, रोहित और स्नेहा का घर. ये रहा रोहित एंड स्नेहास हाउस. Find and circle Nita and Radha's house on the map. ये रहा Nita and Radha's house. Whose house is closer to the parade ground? Parade ground कौन सा है? ये रहा. दोनों का equal ही है, लेकिन थोड़ा सा Nita और Radha का घर पास में है. Nita and Radha's house is closer to the parade ground. If you have to go from the police station to the parade ground, which place would you pass through? Police station कौन सा है? ये रहा. Parade ground कौन सा है? ये. तो हम लोग किस रास्ते से जाएंगे? पहले रास्ता आप यहाँ ठीक से देख लीजिए. हम यहाँ से अगर जाते हैं तो हमें स्कूल मिलती है. स्कूल के पास से हम लोग जाते हैं तो रोहित और स्नेहा का घर मिलता है. नहीं, हम इस रास्ते से जाएंगे. ओके, इस रास्ते से होते हुए हम पोस्ट ऑफिस से होते हुए हम लोग परेड ग्राउंड पहुंच सकते हैं, या फिर लंबा रास्ता भी यहाँ से हम बैंक होते हुए इस साइड से, लाइब्रेरी से होते हुए परेड ग्राउंड पहुंच सकते हैं. If I have to go from police station to the parade ground, the places that I would pass through are school, Sneha and Rohit's house, library. Now draw. एक स्पेस दी गई है, उसमें आपको एक ड्रॉ करना है. इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल. आप अपने घर से स्कूल तक की जो रास्ता है उसे उसकी एक स्केच बनाइए. Now let us reflect, discuss in the class. How can we care for our elders? हम अपने एल्डर्स की, बड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं? बाय रेस्पेक्टिंग देम, बाय सेंडिंग, बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, बाय हेल्पिंग देम इन देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज, बाय ईटिंग एंड प्लेइंग विद देम, बाय केयरिंग फॉर एंड सपोर्टिंग देम विद एज चैलेंजेस एक्सेट्रा. मीन्स हमें अपने बड़ों को
केयर करने के लिए उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी डेली रूटीन में हमें हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि उनको चलने में दिक्कत होती है उनको पकड़ना चाहिए थोड़ा सा हेल्प, और दवाई वगैरह लेने में या फिर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में भी हमें हेल्प करनी चाहिए। ईटिंग एंड प्लेइंग विद देम, हमें हमेशा अपने घर के बुजुर्ग के साथ ही खाना खाना चाहिए और खेलना भी चाहिए। केयरिंग फॉर सपोर्टिंग देम विथ एज चैलेंज, जो भी उनको अभी एज के लिए ज़्यादा एज के लिए वे नहीं कर पाते उस काम में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस, हमें किस तरह के व्हीकल्स हमारे आसपास दिखते हैं। वैराइटीज ऑफ व्हीकल्स वी कैन सी अराउंड अस सच एज टू व्हीलर्स बाइसाइकिल मोटरबाइक स्कूटर थ्री व्हीलर्स ऑटो रिक्शो साइकिल रिक्शो फोर व्हीलर्स कार स्कूल बस वैन ट्रैक्टर एक्सेट्रा। हाउ कैन वी एंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल, While traveling, we must follow safety rules to avoid accidents. These are, look at both sides of the road, cross it when it is clear. हमें रोड में जाते वक्त दोनों साइड में देखना चाहिए, उसके बाद ही क्रॉस करनी चाहिए रास्ता। Always walk on the footpath or the safe side of the road. हमें हमेशा ही फुटपाथ में चलना चाहिए और अगर फुटपाथ ना हो तो सेफ साइड में चलनी चाहिए। Cross the road at zebra crossing. हमें रास्ता हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग में ही क्रॉस करने चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, रास्ते में नहीं खेलना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स व्हेन ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नल्स को हमें माननी जरूरी होती है ड्राइविंग के समय। इफ़ योर फादर इज़ ड्राइविंग ए व्हीकल देन ही शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड स्पीड लिमिट। ट्रैफिक रूल में जैसे कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है तो पहननी चाहिए, स्पीड लिमिट लिखी रहती है साइन बोर्ड में उसी तरह से चलानी चाहिए। If you are sitting in the front seat of the car, then do not forget to put on a belt for protection. Front seat में जब हम लोग travel करते हैं तो हमें protection के लिए जो seat belt लगानी चाहिए वो जरूर लगा लेनी चाहिए। Wear a helmet while driving a two-wheeler. Two-wheeler चलाते वक्त helmet जरूर पहननी चाहिए। Never put your hands and face out of the bus or car window. हमें अपने हाथ और अपने मुंह को विंडो से बाहर नहीं निकालने चाहिए। Never travel standing in the footsteps of a moving bus. बस में चलती हुई गाड़ी में हमें footsteps में नहीं travel करनी चाहिए। Now, next question. Match the pictures with the words. Pick a suitable word from the list. Match it with a picture and write the word below picture. One has been done for you. इस तरह से volunteer. ये volunteer कहाँ है? यहाँ lost and found में थे. Firefighter. और फायर फाइटर की गाड़ी जहाँ बनी होगी उसके साथ हमें मैच करनी है। ये यहाँ से आते हुए हमने देख लिया था फायर फाइटर को, दिस वन यहाँ लिखना भी है, ठीक है। नेक्स्ट हलवाई कन्फेक्शनर, दिस इज द हलवाई। टॉय सेलर पपेट, ओ दिस इज पपेटर द टॉय सेलर, ओके। This is toy seller. This is puppeter. Bangle seller. Volunteer हो गया, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कहाँ है? हाँ, पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी में है, ठीक है। Medical attendant, ambulance में होंगे। मेहंदी आर्टिस्ट, हमें मेले में मिलते हैं। Draw in your notebook. Draw and label different vehicles that you see around your school and home. जो अलग अलग vehicles आपको दिखते हैं उसको एक एक drawing बनाइए। Organize a mock mela. ये रहा मेला, इसमें color कीजिए। Mock mela यानी कि school में ही एक मेला को plan कीजिए, किस तरह से आप लोग मेला कर सकते हैं। फर्स्ट मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स निकले आप लोग निकालेंगे मेले में। टाइप्स ऑफ गेम्स एक्टिविटीज डेकोरेशन मटेरियल्स इनविटेशन बैनर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग मॉक मेला इन योर क्लासरूम एंड मेक श्योर दिस कैन बी प्लान इजीली विदाउट मच एक्सपेंस एंड देन अरेंज देम अकॉर्डिंगली। इस तरह से एक मेला आप लोगों को भी स्कूल में करने के लिए बोला गया है, ठीक है। नाउ
ये है एंड ऑफ दिस चैप्टर, पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, आप लोग इन बिटवीन जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, और जरूर अपने पेरेंट्स के साथ और सबके साथ अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लीजिएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए।